इस समय मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां तिलावली गांव के कुछ दबंग लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया है। वहीं इस हमले में बंटी कुशवाहा ग्राम महावीरपुरा की निवासी की मौके पर हुई मौत। इसके साथ ही हमलावरों ने उसके दो बेटों पर भी हमला बोला, जो बाल बाल बचे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जौरा अस्पताल भेजा। आपको बता दें, घटना बागचीनी थाना क्षेत्र के तिलावली महावीरपुरा गांव की है, जहां हमलावरों ने एक को मौत के घाट उतार दिया, औरों को घायल कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची बागचीनी थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा गांव है? क्या घटना घटित हुई आज? उधर मैं जब गया था ना, मेरे छोटा भाई इधर में था, उसको मारा था, मैं उसको ला रहा था, उसने मेरे में भी दिया था। किसने मारा, नाम बताओ? किसने मारा आपको? नाम बताओ। तुमसे मैं हुआ है आपके साथ? मैं अपने भाई को बचाने गया था, तो उसने मेरे में पहले लाठी दी, फिर कुल्हाड़ी दी। अच्छा, वो कितने आदमी थे? 15 लोग। उनसे आपका किसी चीज में पहले से मिला था क्या? इधर में लड़ाई थी आपकी? बकरी चराने गए थे। बकरी कौन सा काम है? ग्राम महावीरपुरा। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? ये छोटा लड़का, उनका मामा जी का लड़का जी हमारे मरे हैं ना, तो मामा जी हैं, तो उनका लड़का छेरी चरा ले गया छेरिया, तो उस लोगों ने बात छोटे बच्चे की मारपीट की थी, ताकि बाद में जो लड़का पहुंच गया सतबीर, उसकी भी मारपीट की। उसके बाद में मामा जी है गए, मिल लोगों ने खिलाड़ी पीछे से खिलाड़ी मार। मृतक का नाम क्या है? मानसिंह। अच्छा, किसने मारा था और किस संदर्भ में मारा था आपके मामा को? कोई इनसे विवाद नहीं था पहला। नहीं, किसने मारा था? जगदीश सकरवा, उनके नाम बताओ। जगदीश है, संतू है, सुरेंद्र है, राम बाबू है, बबलू है। कुल कितने लोग थे? 15 लोग हैं लगभग। कौन सा गांव है वो मारने वाले? तलावली गम्मतदान। किस चीज से मारा था, किस चीज से वार किया था तुमने? परसे और कुल्हाड़ी और लाठी। किस जगह पे किया था? कुल्हाड़ी किस जगह दी थी? अरे सिर में दी है, पुल के पास में जो घटना हुई है। क्या दीवार है ये? जी अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।